बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और उसकी वजह क्या है वो आपको अभी पता चलती है कि मुझे अपने चैनल का पहला पीआर पैकेज रिसीव हो गया है। पीआर पैकेज क्या होता है? जब आपको कोई बड़ी कंपनी या कोई छोटी कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट्स भेजती हैं एज अ गिफ्ट, ताकि आप उनको ट्राई करें, आप उनको इस्तेमाल करें और फिर लोगों को बताएं कि वो आपको कैसी लगी हैं और उनको वो ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा सच्ची और ऑनेस्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं रिव्यू भी ऑनेस्ट ही दूँगी। तो चलें, ये डब्बा आज सुबह मुझे मिल गया है, मेरे कॉरियर के थ्रू मुझे मिला है। अब ये मैंने सामने रख के बैठी हुई हूँ, अब आपके सामने इसको खोलते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले इसके ऊपर पड़ी हुई है इनवॉइस। इनवॉइस पेइंग इनवॉइस नहीं है, ये सिर्फ इस पे ये मेंशन किया हुआ है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बॉक्स को हम खोल लेते हैं। ये एक स्पेन की बहुत बड़ी फूड कंपनी है जिन्होंने ये बॉक्स भेजा है, और बॉक्स के अंदर से सबसे पहले ये देखिए निकल आए हैं एक पैकेट समोसास का। ये वेजिटेबल समोसा है, ये बिल्कुल हलाल है, ऊपर हलाल की स्टैंप लगी हुई है। ये एक और पैकेट निकल आया है, ये चिकन के समोसास हैं, और ये देखिए दोनों के ऊपर हलाल लिखा हुआ है। उसके बाद हॉट विंग्स का एक पैकेट और साथ ही कंपनी का लोगो इराफ केबाब, नगेट्स का पैकेट और बर्गर पैटीज़ का पैकेट, फ्रोज़न सीख कबाब, ये चिकन के सीख कबाब हैं और ये रेडी टू ईट हैं, इनको हमने सिर्फ माइक्रो में गर्म करना है। ये इसमें एक पैकेट में 30 कबाब हैं। माइक्रो में गर्म करने की एक टिप ये है कि आप इसको कबाब को किसी शॉपर में या प्लास्टिक बैग में डाल के गर्म करेंगे तो ये जूसी रहेंगे और अच्छे से गर्म हो जाएंगे। और साथ इसके ये चिकन की क्रिस्पी स्ट्रिप्स हैं, ये तकरीबन 1 kg का पैकेट है। सारी चीज़ों के ऊपर हलाल की बाकायदा स्टैंप लगी हुई है। और बहुत शुक्रिया, ये मुझे इराफ के बाप ने भेजा है, जो कि स्पेन की एक बहुत बड़ी डोनर और फास्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी, जो कि डोनर के बाप के बिज़नेस में अब बहुत ज़्यादा हैं, अगर पहला पाकिस्तानियों का डोनर के बाप कहा जाए तो वो यही इराफ के बाप की कंपनी का डोनर है, और जो कि बाद में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में तब्दील हो गया। इनका मेन हेड ऑफिस कॉर्डोबा यानी कि कुर्तबा में है, और बाकी 12 डिफरेंट सिटीज़ में इनके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स हैं। ना सिर्फ ये पूरे स्पेन में बल्कि बाहर के कंट्रीज़ में भी, दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ में भी, पुर्तगाल और जर्मनी वगैरह में अपनी सर्विसेज देते हैं। ये रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स में और डोनर कबाब पे अपना हलाल डोनर कबाब और हलाल फ्रोज़न फूड, जिसके आइटम्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये होलसेल सप्लायर्स हैं और इनके इनकी अपनी जो उन्होंने इराफ कबाब की ब्रांड्स हैं, उनमें ओज़दुर्क कबाब, लजीज, ओज़ान, ये सारे मिनी ब्रांड्स हैं जिनके अंडर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। चलें, अब चीज़ों को फ्राई करते हैं और फिर मैं खा के टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी हैं। अब फ्रायर में ऑयल डाल लेते हैं, और जो लोग ये फ्रायर की वीडियो देखना चाहते हैं या इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक ये ऊपर कॉर्नर में आपको शो हो रहा होगा, इसको प्रेस करके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल रही हूँ, अब वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्राई हम बास्केट में रख लेंगे, और ये चीज़ें इनको फ्रायर में रखते हैं, ढक्कन बंद करके टेम्परेचर सेट कर दिया, और जब तक ये रेडी होती हैं तब तक हम जो सीख कबाब हैं उनको माइक्रो में गर्म कर लेते हैं। उनको माइक्रो में रखने के बाद
ये देखें, ये फ्राई होने का जो सीन है ये मुझे बड़ा पसंद है, ये बड़ा अच्छा लगता है हर इस टाइम, क्योंकि जब चीज़ें फ्राई हो रही थी खुशबू बहुत प्यारी आ रही होती है। लें जी, चीज़ें हमारी हो गई हैं सारी रेडी, अब टेबल पे मैंने चाय शाय साथ बना के इंजॉय करने लगी हूँ। तो ये देखें, एक समोसा आपको तोड़ के दिखा देते हैं कि इसकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है, ये खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और टेस्ट में ये चीज़ें सारी की सारी लाजवाब हैं और बहुत अच्छी और फ्रेश सी खुशबू भी आ रही है। और बहुत ये मेहमानों के आगे इस्तेमाल हो सकते हैं चाय के साथ, बच्चों के लिए लंच में, स्कूल में इस्तेमाल हो सकते हैं। इराफ केबाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पार्सल मुझे भेजा है। आई रियली रियली इंजॉयड इट एंड लाइक्ड इट। नाज़रीन, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब, कोई भी डोनर का या रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहता है, उसको हलाल फ्रोज़न फूड या हलाल डोनर केबाब की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सर्विसेज हैं, वो चाहिए, तो वो इराफ केबाब से रब्ता कर सकता है। इनका नंबर और इनकी वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख लें, इनका फेसबुक का लिंक वेबसाइट स्क्रीन पे देख लें, यहाँ से जाके आप इनसे रابطہ कर सकते हैं और अपनी मतलूबा सर्विसेज मंगवा सकते हैं। और जो लोग घर में पर्सनली ये फूड मंगवाना चाहते हैं तो वो ऑर्डर कर दें, और लेकिन इनके जो आपका क्रीपी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ से जाके कलेक्ट कर लें, और आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर घरों में आप ला के फ्रीज़ कर देते हैं तो आप मेहमानों के सामने, बच्चे के लंच बॉक्स के लिए, और घर में भी चाय पीने की, चाय के साथ ये चीज़ें खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।